ऑफ टीचर्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं वहाँ पे टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उनका प्रोफेशनलिज्म कैसा है, उनका नॉलेज कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो क्या जो कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर, जिसमें एक परफॉर्मा लिया जाता है, भरा जाता है कि क्या वो जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं एम्प्लॉय को, तो क्या वह उस स्टैंडर्ड्स के एट पार है या नहीं है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर और कंसल्टेंट एग्जामिन एंड इवेल्युएट एन एम्प्लॉयज वर्क बिहेवियर बाय कंपेयरिंग इट विद प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी एंड यूजेस द रिजल्ट्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू द एम्प्लॉय टू शो वेयर इम्प्रूवमेंट आर नीडेड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वही आप कहीं भी किसी भी कंपनी में हो और वहाँ का जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एट पार हो कि नहीं हो, तो वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एंड देखा जाता है कि हाँ किस लेवल पर है, क्या कमी है और क्या प्लस है। तो वो सारा रिकॉर्ड जो है एक कंपैरेटिव रिकॉर्ड रहता है और वो सारा रिकॉर्ड उसी एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि हम देख सके कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ नीड है और क्यों नीड है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर, द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम और परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ फॉर्मल इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टीचर्स। इतना से एक के फॉर्मल इवेल्युएशन कि हमें फॉर्मल होता है कि बिल्कुल हमने सीक्वेंस पहले से ही तैयार है, ऑलरेडी है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है, उस हिसाब से ही हमने इसे इवेल्युएट करना है। This evaluation will determine whether the teacher performance meets the required standards of the post which he is occupying on permanent or temporary basis. हमने यही देखने को टीचर उस पोस्ट के लिए वाकई में एलिजिबल है, क्या वो वहाँ के वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है, जो भी उसे चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्प्रेरी हो, लेकिन क्या वो उस पोजिशन पे जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना वर्क वो क्वालिटीज वो कॉम्पिटेंसीज वो होल्ड करता है क्या नहीं करता है। देन कम्स इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है ये हमने जान लिया, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। इट आइडेंटिफाइज द एरियाज वेयर ट्रेनिंग इज नीडेड। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल देखता है कि कौन सा एरिया है जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है। कोई ऐसा एरिया हो टीचिंग का, मान लीजिए किसी टीचर को डिजिटल स्किल्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें उस परफॉर्मेंस जो अप्रेजल से पता चल जाएगा कि टीचर की डिजिटल जो है स्किल्स किस लेवल पर है। अगर वो थोड़ा वीक कर रहा है तो उसको उस चीज में ट्रेनिंग दे दी जाएगी। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स। बिल्कुल, जहां हमारी कमी होगी वहां इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो टीचर की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी। इट इंक्रीजेस द अकाउंटेबिलिटी। जब आपके अंदर हर चीज की क्वालिटी डेवलप हो जाएगी तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इट प्रोवाइड्स कंटीन्यूअस फीडबैक टू द टीचर। वही है, जब आप फॉर्म भरते हो अपनी जो भी कमी है, क्या उसमें आपके प्लस है माइनस है, तो एक तरह से वो फीडबैक आपको लगातार मिलता रहता है। इट इज हेल्पफुल फॉर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो वही हमारी जब पता चलता है तो हम उस फीडबैक से अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। इट इन्फॉर्म्स अबाउट द प्लानिंग नीडेड इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स टीचर्स ऑफ द स्कूल। तो वही है कि अब टीचर की क्या क्वालिटी है, तो उस अकॉर्डिंगली हम प्लान आउट कर सकते हैं कि ये हमारा स्टाफ है, ये स्टूडेंट्स है, ये करिकुलम है, तो उसके अकॉर्डिंगली और हम एक टीचर क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली, और कहाँ जाकर हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस सारी चीज़ की हम प्लानिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, तो हियर इट इज एन ऑनगोइंग साइकिल थ्रू आउट द स्कूल। क्या अगर हमने परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कुछ भी परफॉर्मर बनाना, उसका एक मॉडल तैयार करना है, तो उसके लिए क्या कौन कौन से स्टेजेस है। फर्स्ट इज द प्लानिंग स्टेज, देन इज मॉनिटरिंग स्टेज एंड द थर्ड इज द रिव्यू स्टेज। सो द फर्स्ट द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मॉडल, फर्स्ट इज प्लानिंग स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मॉडल की प्लानिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ भी हमने करना है, सबसे स्टार्टिंग जब हमारा सेशन शुरू होने लगा है तभी ये सारी चीजें होंगी। एग्रीड गोल्स
हमें मालूम होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे कि हमारे ये गोल्स है और हमको यहाँ इन गोल्स को अचीव करना है। इंडिविजुअल एंड एक्शन प्लान इंडिविजुअल पे भी किया जा सकता है और ग्रुप में बैठ के भी, जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो कमिटी बैठेगी वो भी इस गोल को पूरा करने के लिए जो भी प्लान आउट करेंगे, और फिर उसका एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे उस चीज का हमें एक्शन लेना है। देन इज मॉनिटरिंग। अब हमारी प्लानिंग हो चुकी है थ्रू आउट ईच टर्म, जो हमारी प्लानिंग हो चुकी है उस प्लान को हम मॉनिटर करेंगे कि वाकई में वो प्लान सक्सेसफुल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। थ्रूआउट ईच टर्म, हर टर्म में, हर एक टर्म में देखेंगे, जैसे कि मिडल स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म है या सेमेस्टर सिस्टम है या मंथली है, कि क्या वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रॉपर वर्किंग चल रही है। देन इज क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम में भी जाके हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वहाँ पे जो हमने प्लान किया है टीचर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो जो हमने पॉइंट्स डाले हैं क्या वो सारी चीजें हो रही हैं। सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, फिर हम स्टूडेंट्स के वर्क को भी सैंपल आउट करेंगे, लेंगे और देखेंगे कि कहाँ बच्चे पहुंच पा रहे हैं, उन्हें क्या काम दिया जा रहा है, क्या वो कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं तो किस लेवल का कर रहे हैं, तो उस चीजों से भी ये मॉनिटरिंग हो जाएगी। सैम्पलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स जो है इस चीज को मॉनिटर करने के लिए पहले से ही हम प्रिपेयर कर लेंगे कि ये सारे रिकॉर्ड्स है, और उस रिकॉर्ड्स को हम फिल करते रहेंगे परफॉर्मर को, और इससे हमें पता चलता रहेगा कहाँ पे किस तक पहुंच गए। देन इज इनफॉर्मल रिव्यूज, तो हम रिव्यू भी कर सकते हैं इनफॉर्मली, एक बार जैसे हमने देख लिया है तो वो हम रिव्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ थ्री स्टेजेस, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। तो रिव्यू जो है वो एंड ऑफ द ईयर होगा, सारा साल आपका चलेगा, प्लानिंग होगी और मॉनिटरिंग होगी, जो भी आपका सारा परफॉर्मर के अकॉर्डिंगली स्कूल का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वर्क चलेगा, लेकिन एंड में हम रिव्यू करते हैं एंड ऑफ द ईयर में वाकई में वो सक्सेसफुल रहा, क्या कमी रही या कौन से गोल्स को हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। देन इज मीटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस, और रिव्यू होने के बाद एक मीटिंग रखी जाएगी कलेक्टिवली और उसमें देखा जाएगा कि बाकी में क्या प्लान सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो उस मीटिंग में डिस्कशन होगी प्लस पॉइंट्स की, माइनस पॉइंट की, और कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज की डिस्कशन। देन कम्स डॉक्यूमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द अप्रेजल प्रोसेस। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे अप्रेजल प्रोसेस जो है वो शुरू पड़ सकता है, वह है द इंसिडेंट रिव्यू एंड क्या एकदम से आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, उससे डॉक्यूमेंट तैयार होगा। देन इज इट इंश्योर्स प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको अच्छे से रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ इट डायलॉग कैन बी मॉडिफाइड, कोई भी डायलॉग्स है जो कोई डायलॉग फॉर्म में हम अगर लिखना चाहे तो उस रिकॉर्ड को हम मेंटेन कर सकते। देन कम्स अप्रेजल प्रोसेस, कैसे अप्रेजल प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट इज प्री ऑब्जर्वेशन, देन इज ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एंड देन इज फाइनल। तो वही है, सबसे पहले एक प्री ऑब्जर्वेशन एक कैजुअल फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाएगा, देन ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू होगा प्रॉपरली, एंड देन उसका फाइनल रिव्यू किया जाएगा। देन कम्स मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, एक टीचर के परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड बाय फर्स्ट इज रेटिंग स्केल। हम कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं एक टीचर की कॉम्पिटेंसीज को लेकर, और उसके लिए आप जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर होते हैं वैसे भी बना सकते हो या रेटिंग स्केल भी बना सकते हो। रेटिंग स्केल जैसे आप लोगों ने किया है कि हम एक स्केल बना देंगे, दैट इज दैट वेरीज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लाइक सबसे जैसे पुअर है, देन इट्स गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से एक रेटिंग दी जाएगी। तो हम कर सकते हैं कि ये जो टीचर या जो भी हमें क्वेश्चंस रखा है इस पे जो टीचर है वो कहाँ स्टैंड करता है, जैसे कि टीचिंग स्किल्स को लेकर आ जाता क्वेश्चन कि कॉम्पिटेंट है अपने टीचिंग स्किल्स को लेकर, तो दैट कैन बी एवरेज ऑल्सो, दैट कैन बी गुड और एक्सलेंट ऑल्सो, डिपेंड्स टीचर की कॉम्पिटेंसी उस स्किल में कैसी है। देन इस रेटिंग स्केल में जैसे ये है, फर्स्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री 1.0 to 1.4, परफॉर्मेंस क्लियरली नॉट मीटिंग पोजिशन रिक्वायरमेंट्स एंड इज देयरफॉर अनएक्सेप्टेबल, जो भी परफॉर्मेंस है वो अनअसेप्टेबल। देन इज एरिया ऑफ कंसर्न, दैट इज
परफॉर्मेंस इज एट मिनिमली एक्सेप्टेबल लेवल एंड मस्ट इम्प्रूव. ठीक है, तो 1.4 से लेके 2.4 तक अगर स्कोर आता है तो उसका मतलब है कि है एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. देन इज मीट एक्सपेक्टेशन, अगर 2.5 से 3.4 तक आए तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट इन मीटिंग ऑन ऑल एक्सपेक्टेशंस. जो एक टीचर में हम ढूंढ रहे हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है तो वो 2.5 से 3.4 तक आए. देन इज एक्सीड एक्सपेक्टेशन, 3.5 से 4 तक परफॉर्मेंस अबव एवरेज एक्सीडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब ऑन पार विद द बेस्ट, मतलब जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा एडवांस है, सो दैट इज द अल्टीमेट. तो इस तरह से रेटिंग स्केल डेवलप किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए. देन इज मेजरिंग परफॉर्मेंस बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स. व्हेन प्लानिंग फॉर स्टूडेंट लर्निंग टीचिंग एंड क्लासरूम एनवायरमेंट इज ऑब्जर्व. ठीक है, तो वही अगर परफॉर्म करना है, ऑब्जर्व करना है, कि टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, तो उसके लिए भी हमें प्लान आउट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है, टीचिंग क्लासरूम एनवायरमेंट कैसा है. उस अकॉर्डिंगली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टीचर्स की टीचिंग स्किल्स कैसी. देन कम्स टीचर प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीजें देखी जाएंगी टीचर में कि उसमें टीचर में प्रोफेशनली वो कितना क्वालिफाइड है. देन इज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आ जाता है जब टीचर हायर लेवल पे है, और मिडिल मैनेजर्स के लिए आ जाता है जैसे कि HODs आ जाते हैं, ठीक है ना, और जो कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं, तो वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो लीडरशिप स्किल्स को एग्जिबिट कर रहे हैं, वो चीज देखी जाएंगी. देन इज सप्लीमेंटल कमेंट्स ऑफ अप्रेजी एंड अप्रेज. जो भी कमेंट्स हैं, जो भी हमने वो परफॉर्मेंस अप्रेजल लिया है उसमें जो फिल किया जा रहा है, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, उनके चाहे वो फीडबैक हम स्टूडेंट से भी ले सकते हैं कि हाँ ये टीचर कैसा है, तो उस कमेंट से हम मेक आउट कर सकते हैं कि टीचर का लेवल किस लेवल पे है. देन इज मेथड ऑफ गोइंग टीचर परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब कैसे हम करेंगे, फर्स्ट इज प्री ऑब्जर्वेशन. तो वही सिलेक्शन ऑफ द अप्रेजल टीम, कौन सी अप्रेजल टीम होगी जो उन्हें ऑब्जर्व करेगी. फर्स्ट इज प्राइमरी, प्राइमरी में कौन से होंगे, प्रिंसिपल और सीनियर टीचर और कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होगा. देन बी इज हाई ओल्ड अप्रोच. ओल्ड अप्रोच में क्या है, एक कोई टीम लीडर होगा HOD एडमिनिस्ट्रेशन में या इंडिपेंडेंट पर्सन होगा. और न्यू अप्रोच में क्या है, टीम लीडर HOD या कोई ग्रेड कोऑर्डिनेटर होगा या कोई इंडिपेंडेंट पर्सन. तो ये लोग जो होंगे वो प्री ऑब्जर्वेशन करेंगे. देन इज जो इंडिपेंडेंटली इनफॉर्मल वे में भी कर सकते हैं. देन इज प्री ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू. इंटरव्यू होगा उसमें क्या है, इट इज परफॉर्म फॉर डिस्कशन पर्पस. इट रिव्यूज द एम्प्लॉयज ओवरऑल जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, तो वही देखेंगे कि हमारी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो एम्प्लॉय उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. देन इज इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स दैट फॉर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द लास्ट परफॉर्मेंस व्हाइल मीटिंग विद द एम्प्लॉय. ये देखेंगे कि जो हमने लास्ट मीटिंग थी उसमें जो हमने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे तो वो परफॉर्मेंस वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे. वही एम्प्लॉई जो हमने एक गोल दे दिया था या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, क्या वो उस लेवल पे उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं. देन इज इट डिस्कस गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट विल बी ऑब्जर्व्ड. तो वही है कि वो देखेंगे कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं, वो उसको फॉलो करता है जो हमें प्रिंसिपल से गाइड किया. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्विंग टीम विजिट द अप्रेजी टुगेदर टू एग्जामिन ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विद कीन अटेंशन टू स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ डिस्कशन और इंस्ट्रक्शन. तो इसमें वही है कि ऑब्जर्व किया जाएगा अच्छे से कि क्या जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें बच्चों का अटेंशन कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे हैं या ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, एंगेज ही नहीं है, और क्या क्वालिटी ऑफ डिस्कशन हो रहा है, कैसी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व होंगी. देन इज डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डेड मस्ट बी मेंटेन्ड. जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमने अप्रेजल में लिखे हैं, वो सारे मेंटेन करके रखनी पड़ती है, एक फाइल प्रॉपरली बनेगी.
फीडबैक शुड बी गिवन इमीडिएटली ऑन द सेम डे, तो जो भी फीडबैक है उसी दिन ही दिया जाएगा जब उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है. कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर एंड टैक्टफुल, जो भी कम्युनिकेशन है वो फैक्टफुल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स शुड बी आइडेंटिफाइड व्हेन दे आर अचीव्ड एंड ऑल्सो डिस्कस हाउ दे इम्पैक्टेड द एम्प्लॉयज स्किल एंड परफॉर्मेंस. जो भी गोल्स हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बहुत अच्छे से हमें आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि हाँ हमें इस टीचर में कैसे क्या कॉम्पिटेंसीज है, क्या लैकिंग है, उसको इम्प्रूव करना है और उसको उस चीज़ के साथ डिस्कस भी किया जाए और देखा जाए कि डिस्कशन के बाद क्या वाकई इम्पैक्ट पड़ता है उस एम्प्लॉय पर, उसकी स्किल्स में और उसकी परफॉर्मेंस में. देन इज डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स दैट नीड फर्दर वर्क. वॉट ऑब्स्टिकल्स हैव प्रिवेंटेड द एम्प्लॉय फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. वही है जो भी ऑब्जेक्टिव जो गोल है, हमें ये भी देखना है कि टीचर वहाँ लिस्ट लेवल पे क्यों नहीं आ पाए, क्या ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हमें ऑब्जर्व करना है. डिसाइड इफ टाइम फ्रेम सेट फॉर रीचिंग द ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एडजस्टेड. वही है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई टाइम को पीरियड उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी. एंड इज बोथ प्रेजी एंड अप्रेजर हैव टू साइन एंड डेट द रिव्यू और फीडबैक. वही है कि जो भी हमने फॉर्म बनाया है तो जो जिसका जिस टीचर को ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसमें प्रॉपर डेट, साइन, फीडबैक सब कुछ लिखना है. एविडेंस ऑफ टीचर्स पोर्टफोलियो मस्ट बी नोटेड, ठीक है. फाइल मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर ईच टीचर, तो हर टीचर की एक पर्सनल फाइल मेंटेन हो. देन कम्स फाइनल रिव्यू. इंटरव्यू शेड्यूल्ड विल ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम अलॉन्ग विद द अप्रेजर, ठीक है. तो इंटरव्यू जब होगी तो सारे टीम मेंबर्स होंगे और अप्रेजर भी होगा. इट शुड बी फॉर्मल एक्टिविटी. ऑल विल डिस्कस रेटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट फिल्ड एंड साइंड. फॉर रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज यूज द सप्लीमेंटल सेक्शन फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो वही है, जब फाइनल रिव्यू होगा तो वही सब सारे डिस्कस करेंगे, फॉर्म भरा जाएगा, रिकमेंडेशंस देखी जाएंगी, क्या क्या चीज़ों किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. देन कम्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो क्या रोल है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है. वन मस्ट बी फेमिलियर विद ऑपरेशनल प्लान ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं उसमें क्या प्लानिंग है, क्या ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. वन मस्ट नो हिज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जॉब क्या है. ही और शी शुड मेंटेन द नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो हमें अपनी नॉलेज स्किल्स का पता होना चाहिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए. दे मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पुअर परफॉर्मेंस. आपको आपकी अगर पुअर परफॉर्मेंस हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट गुड. तो उस चीज की नॉलेज या तो टीम देगी या फिर खुद टीचर को भी पता होना चाहिए. वन मस्ट नो एंड एग्री टू परफॉर्म एक्सपेक्टेशंस एंड असेसमेंट क्राइटेरिया, ठीक है. आपको पता होना चाहिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है. वन मस्ट वर्क फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आउटपुट ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है. तो आपको अपने काम करने के लिए जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो या कुछ भी है उसके लिए आपको बहुत क्वालिटी करना ही पड़ेगा. तो ये है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एम्प्लॉयज. Who can appraise the teacher? अब कौन लोग कर सकते हैं? Education officer, chairman or vice chairman of the school board, principal, vice principal, HOD, coordinator or teacher. Then comes the appeal process. If a teacher is disagreed with the results of his or her performance appraisal, he she should note it in the space provided on the appraisal form. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि appraisal form में आपका जो भी लिखा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसमें एक कॉलम होगा जिसमें आप लिख सकते हो कि आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू डिसएग्री व्हाट इज. ही और शी कैन डिस्कस द डिसएग्रीमेंट विद हिज और हर
सुपरवाइजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल। आपका जो भी जिस चीज में भी डिसएग्रीमेंट है आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस कर सकते। When all efforts to resolve has been exhausted, an official appeal should be registered to the board chairman. ठीक है, जब सारी efforts resolve करने में खत्म हो गई तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बात नहीं मानी गई है, you talk to your seniors also, तो फिर end में board of chairman जो होंगे उन तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। All appeals must be in writing form. फिर जो भी होगा वो एक writing form में होना चाहिए। Then comes appeals committee. It comprises of the chairman, the education officer, a teaching colleague. ठीक है, तो appeal committee तीन लोगों की बनी होती है, chairman, education officer और teaching. Then is action plan. After the appraisal, an action plan is set up for to make plan to improve on weaknesses, set agreed goals, targets and tasks. Action plan will be rated at next appraisal and influence the next appraisal score. ठीक है, तो आपको एक एक्शन प्लान जो होगा वो बनेगा जिसमें आपकी जो वीकनेसेस है वो दूर की जाएंगी, एक सेट गोल रखा जाएगा, टारगेट रखा जाएगा, एक्शन प्लान को जो रेट किया जाएगा कि आपका नेक्स्ट अप्रेजल जब होगा तो उससे उसमें फर्क पड़ रहा है स्कोरिंग में या नहीं पड़ रहा। देन कम्स बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब बेनिफिट्स क्या है, सो द फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस। हमें मालूम है कि किस टीचर में क्या कॉम्पिटेंसीज हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको टास्क दे सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस में आएगा कंपनसेशन, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसमिसल, डाउनसाइजिंग। ठीक है, तो ये सारे एक्शन लिए जाएंगे, आपको लगता है किसी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा या उसको प्रमोट करना है या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो सारी चीजें हो सकती है। देन इज डेवलपमेंटल यूजेस, उसमें क्या आएगा आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स, identifying areas of change, training and development, coaching, career planning. तो वही है, अब feedback form जो है, appraisal form है, उसे हम देख सकते हैं, identify कर सकते हैं कि क्या strength है उस teacher में, ठीक है, कौन से area में हम change कर सकते हैं उसको, कौन सी training दे सकते हैं ताकि और development हो, उसे कौन सी coaching दे सकते हैं और आगे further उसकी career को कैसे enhance कर सकते हैं।